दुमका, बुंडू और खूंटी के कारीगरों के बनाए गए टोकरी, सूप और बांस के सामानों का बाजार रांची के बकरी बाजार में सज चुका है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर इन सामानों की बिक्री हो रही है। लोग यहां खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। बकरी बाजार का जायजा लिया है सहयोगी अंजनी कुमार ने। हाँ, पर्व छठ में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और रांची में अब छठ का जो बाजार है वो पूरी तरह से सज गया है और अब खरीदारी भी शुरू हो गई है। इस वक्त हम बकरी बाजार में हैं और पूरे रांची में देखेंगे तो बकरी बाजार एक बड़ा बाजार है, जहां आपको बांस से बने हुए तमाम जो सामान है, सूप है, टोकरी है, दौरा है, पंखा है, ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। और पिछले साल की तुलना में इस बार जो विक्रेता हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि ये जो बाजार में आप ये देख रहे हैं टोकरी, सूप, ये सिर्फ पूरे झारखंड में दो जगहों से आती है, एक दुमका से और दूसरा बुंडू से। तो ये दो जगह जो कारीगर हैं उनके हाथों का बना हुआ जो सामान है वो आप देख सकते हैं और काफ़ी दूर तक है और अभी भी गाड़ियों में जो है सामान आ रहा है। ये एक होलसेल मार्केट कहा जाता है और जब छठ का मौका होता है या ऐसे भी छठ के बाद भी आपको हमेशा यहाँ पे ये मिलता रहेगा। ये बताइए भैया, आप लोग यहाँ पे लगभग जो बातें पता चली है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग यहाँ बेच रहे हैं, लगभग 40 से 50 वर्ष हो गए हैं। जी, इससे पहले मेरे फादर करते थे, फादर का डेट करने के बाद हम ये धंधा करीब 20 साल से हम हैं, इससे पहले हमारे फादर करते थे। अच्छा, ये बताइए ये जो पूरा जो मतलब सामान है कहाँ से आता है? ये सामान दुमका से आता है और कुछ इधर लोकल बुंडू तमाड़ में। जी, बुंडू देवड़ी मंदिर। पिछले साल की तुलना में इस बार यदि हम दाम देखें, जी, दाम में बस यही जो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ा है भाड़ा उड़ा में, बस वही, नहीं तो सूप सवर भी 70 था, इस साल भी 70-60 रुपए में सूप बाजार में अवेलेबल है। जो रेट है, आप जो भी छठ करने वाले जो लोग हैं उनके जो परिजन हैं, तो आप यहाँ बकरी बाजार आएंगे तो आपको जो बांस से बना हुआ जो भी आइटम चाहिए, जो भी सामान चाहिए, वो तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ अवेलेबल हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।